में बड़ा फर्क पड़ा, बड़ा फर्क पड़ा, इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे बहुत कि बड़ा कंफर्टेबल भी है, लाइट वेट भी है एंड और उसके साथ बड़ा खूबसूरत भी है। अच्छा जो ट्रेल थोड़ा सा है ना, अगर आप टर्न कर सको तो हम देख लें कि जो पीछे इसकी एक फ्लेयर है वो इस तरह से एक लंबी फ्लेयर है पीछे जी, काफी लंबी ट्रेल है इसकी। बेसिकली अगर इसके साथ नीचे कैन कैन होती है तो वो फिर उसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है वो कैन कैन के साथ। ठीक है, तो ट्रेल आजकल चल रही है जी, ट्रेल ज्यादा चल रही है आजकल में भी, काफी लोगों ने ट्रेल के साथ ड्रेसेस बनाए हैं और ट्रेल ही है। ठीक है, सो ट्रेल एक कॉन्सेप्ट है, रुके भी आजकल। थैंक यू सो मच हिना। नेक्स्ट ड्रेस जो है आइएगा जिया का आपने जी, जी बिल्कुल, ये नेट और टिश्यू का जो इसकी शर्ट है बेसिकली ट्रेल वाली लॉन्ग फ्रॉक है और ये ऑर्गेन्जा और टिश्यू को मिक्स करके मैंने बनाया। ठीक है, और इस पे हैवी काम है काफी ज्यादा और बर्ड्स बने हुए हैं काफी, अगर आप देखें ना तो इसमें काफी बर्ड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, ये लाइंस में ऑर्गेनिक इन स्टाइल आपने बनाया है। साथ इसके जामावार का जो है लहंगा, जामावार का मैंने स्काई ब्लू रखा हुआ है समर्स के हिसाब से, अगर आप इसको विंटर्स में ले जाते हैं तो देन आई विल रेकमेंड कि इसके साथ मैं डार्क कलर का लहंगा बना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो काम इस पे हुआ है इसको थोड़ा सा आप शाह हमें बताएं तफसील के साथ, क्योंकि जो अगर काम है जी जी, क्या मुख्तलिफ जो फैब्रिक है और बिल्कुल होता है एक्चुअली सीजन के साथ और ट्रेंड्स के साथ चलते हैं। नेट बहुत ज्यादा इन है और टिश्यू, तो मैंने उन दोनों को मिक्स करके टिशू का शर्ट टिशू की बनाई है और जो दुपट्टा है वो नेट का बनाया है, तो काम सेम है बट मटेरियल डिफरेंट है। और टिशू में ये होता है कि टिशू को उठाना और उसका जो काम उभारना है ना वो सबसे मुश्किल होता है क्योंकि शाइन है वो हमेशा डल कर देती है आपके काम को, सो उसको बहुत एहतियात से और सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो इसमें मैंने जितना भी काम उसको सेम कलर्स के साथ यूज किया है, बीड्स को और स्टोन्स को, तो इसीलिए आपने इसमें मोती जी पर्ल्स वगैरह सबके कलर्स डाए हुए हैं और उसके साथ मैच किया हुआ है। स्टोन्स लगाए हैं मैंने, दबका कोरा छोटा कटदाना आजकल बहुत ज्यादा इन है, सो वो बारीक जो है मैंने कटदाना यूज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जैसे ये लंबी जिया दिखाना थोड़ा खोल के, लंबी एक लंबा गाउन है जी, लंबा गाउन फुल लेंथ का, फुल लेंथ किन लोगों को सूट करता है? ये लंबे लोगों को, पतले लोगों को सूट करता है, लेकिन ये है कि ये अगर आप कोई थोड़ा चबी बंदा भी हो, चबी लड़की भी हो तो वो पहने तो वो भी अच्छी लगेगी, इसलिए क्योंकि इसका कट ऐसा है कि उसमें आपकी लुक स्लिम आ जाती है। ठीक है, तो वो दुल्हन के लिए ये बेस्ट चीज होता है। बिल्कुल सही। अच्छा इसमें वेरिएशंस भी अगर कोई करना चाहे ना, इसको इतनी ट्रेल के साथ लेना चाहे? बिल्कुल ऐसा है, मैं अपने क्लाइंट्स के हिसाब से ही कपड़े बनाती हूँ, वो फिर ये होता है कि जब आपके बेसिकली ये मेड टू ऑर्डर होते हैं तो जो डिजाइन अवेलेबल है उनके हिसाब से फिर वो अगर कहते हैं कि हमें दुपट्टा हल्का चाहिए या शर्ट में कुछ कम करना है, ट्रेल कम करवानी है, लहंगे का कलर डिफरेंट, तो हम उनके हिसाब से जो सूट करता है हम उनके हिसाब से फिर उसको बना देते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जिया। आइए जनाब नेक्स्ट। राबिया के ड्रेस का जो डीप रेड कलर है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये रेड की कौन सी टोन है? ये इसको मरून में जाते हैं, आप अगर ब्लड रेड करें और उसको उसमें थोड़ा सा आप मरून टच दे दें तो ये वो कलर है। ठीक है, और ये कलर जो है एज यूजुअल आपको पता है ट्रेडिशनल ब्राइड डिपेंड करता है डिजाइन के साथ आपका, हर डिजाइन का डिफरेंट उसका होता है। अगर मैंने इसमें लहंगे में काम नहीं किया, जामावार का सिंपल आप देखें शरारा है, तो इसके साथ ये मैंने लॉन्ग लेंथ की शर्ट रखी है, ये फुल लेंथ लाइक आप पाँव से थोड़ा सा ऊपर कह लें, ये फ्रॉक नहीं है, इट्स अ लॉन्ग शर्ट, तो शर्ट जो है मैक्सिमम इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो शर्ट के हिसाब से ये मैंने बनाया। बिल्कुल ठीक, और साथ इसके जो लहंगा है इसमें जो लहंगा है ये जरदोजी का जामावार का लहंगा है और ये पीच कलर मैंने जो काम यूज किया है उस काम के साथ मैंने इसको मैच किया,
तो साथ किरण की वो डबल लेयर लगा दी है, उससे वो लुक उसकी अच्छी आ रही है बिल्कुल। और ये जो बॉर्डर है जी काम वाला इस पे पिंक एंड आपने जी मैंने उसमें ग्रीन, क्योंकि ग्रीन आपका एक अगर आप देखें तो मैंने शर्ट में ग्रीन भी यूज किया हुआ है जो डीप ग्रीन होता है, रेड के साथ वो कलर कंट्रास्ट उसका बड़ा अच्छा होता है, और शॉकिंग पिंक उसमें डाला है ताकि थोड़ा सा उसमें कलर्स आ जाएं और ब्राइड के मेकअप के लिए आसानी हो, क्योंकि बिल्कुल रेड मेकअप नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। मेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, मैं दुल्हन बनूं तो कैसी होनी चाहिए। हमने आपको जितनी अभी तक दुल्हनें दिखाई हैं उन सब ने खूबसूरत सी सनाज कलेक्शन पहनी हुई है ज्वेलरी की, और इरज जो है इरज बेटी है, आइए इरज कलेक्शन पहनी हुई है और सना मेरे साथ है। कैसी है सना? और सना जो है अभी आप सबा फैसल को देख रहे थे एक्ट करते हुए परफॉर्म, बिल्कुल मैं अपनी हर जो नई कलेक्शन आती है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं सभा जी को वो दूँ, वो मुझसे बड़ी है तो उन्हें मैं दूँ ताकि वो उन्हें सूट बहुत करती है, बड़ी स्टैंड आउट करती है उन पे ज्वेलरी, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी ज्वेलरी को प्रमोट कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं खूबसूरत ड्रेसेस की और खूबसूरत दुल्हनों की, ज्वेलरी सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी लग रही है, अब एक दफा हम जरा इनको ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सबने जो ज्वेलरी पहनी हुई है उनमें से किसकी ज्वेलरी आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ग्रे का मतलब है ये वाली, ये गोल्डन सेट भी अच्छा लग रहा है क्या आपको जो उन्होंने पहना हुआ? ज्वेलरी सारी बहुत अच्छी है लेकिन जहाँ तक मैं नोट कर रही हूँ आपकी ज्वेलरी में मुझे लग रहा है माला का और ये कॉन्सेप्ट जरा ज्यादा है। हाँ, माला फोकस इसलिए ज्यादा फोकस क्योंकि आजकल माला काफी इन है, माला या चोकर ये दो चीजें इन हैं आजकल काफी, ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे ये होता है कि ज्यादा मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इसी चीज को डिमांड करते हैं कि मतलब अच्छा, आपका भी एक वोट है, आपने बताना आपको किसकी ज्वेलरी सबसे ज्यादा पहनी हुई अच्छी लग रही है, किसने कैरी सबसे अच्छी की है? आई इन्हें बहुत अच्छी लग रही है। आपको लग रहा है इन्हें बहुत अच्छी, राबिया ने ज्वेलरी पहनी भी बहुत अच्छी लग रही है। राबिया बहुत अच्छी लग रही है। राबिया पहना हुआ क्या क्या है? ये चोकर सेट है उसके साथ, ये साड़ी ये ऊपर कुंदन है, कुंदन के साथ ये नीचे मैंने रियल स्टोन की परोई साड़ी की हुई है, ठीक है, क्योंकि रियल स्टोन में आपकी ना वो एक जो होता है और इनकी परोई इस तरीके से हुई हुई है कि इंडिविजुअली हर पर्ल को हमने परोई की हुई है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से ना वो एक बहुत अच्छी वो लुक आ रही है उसकी, बड़ी भरी बजाय इसके कि आप बिल्कुल फ्लैट लुक दें जैसे वो वाली मैंने की है, बजाय फ्लैट लुक के ये थोड़ी सी स्टैंड आउट कर रही है। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से माथा जो है टीका जो लगाया वो भी बड़ा ट्रेडिशनल एक स्टाइल है। हाँ, ये अब मुझे पर्सनली मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरी बहुत पसंद है, ठीक है, ये आरी का काम, ये हमारी मदर्स के जमाने में। और अब इसके बाद ये जो एक ज्वेलरी है इसमें भी आपने लंबी एक माला दी, इंडियन चोकर का एक स्टाइल है, ये ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों मिक्स हैं, ये चोकर आजकल आपको पता है वो बहुत इन है, इसमें मैंने हाई क्वालिटी पर्ल्स यूज किए हैं और इसे चोकर रियल रूबी के साथ, ठीक, और थोड़ी सी लंबी जो माला है ये आपने देखा मीना वर्क है सारा और वो ट्रेडिशनल लुक भी दे रहा है। अच्छा मुझे बताइए ज्वेलरी में क्या इन है, क्या चीजें चल रही हैं आजकल ज्वेलरी में? ज्यादातर चोकर और फिर उसके बाद चोकर के बाद ये माला, ठीक है, माला रिंग्स इयररिंग्स ये इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा इस ज्वेलरी को भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा कि ये क्या है, ब्यूटीफुल ये जो पीस है बहुत खूबसूरत है, इसमें कौन से स्टोन्स? ये ब्लू सफायर है, ये रियल में है, ठीक है, ये ब्लू सफायर है और ये सिल्वर में और शैंपेन का मैंने क्योंकि ज्यादातर हमारी ज्वेलरी होती है उसमें गोल्डन कलर में और ज्यादा सिल्वर या ग्रे के साथ नहीं जाती, तो इसे मैंने स्पेशली उस चीज को माइंड में रखते हुए मैंने ये चीज बनाई है, ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत, इसका पूरा कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत लगा है, खासतौर पे ये जो आपने ये बड़ा ट्रेडिशनल रिवाइती एक स्टाइल जो है चोकर का और सब कुंदन, चीजों का, कुंदन, कुंदन का, बिल्कुल बिल्कुल सही। एंड देन मेरे देखो वाली माला मैंने इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इसको, मतलब ये चीज मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये उसके लिए सॉर्ट ऑफ ब्रोच जो है वो आपने ऐड कर दिया इसमें,
ठीक है, और यहाँ पर भी अगेन एक सिंपल, हाँ ये पोलकी की पट्टी है और ये बहुत ही वो सेटल लुक देती है, तो ये इसलिए फिर इस तरह का मैंने। और ये, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट अगर कोई पीस आज तक मेरा है, और ये बहुत ज्यादा इन्होंने इसमें काफी मेरे शूट्स भी किए हैं ना, और ये हैंडमेड बॉल्स होते हैं और ये मुल्तानी लोग ज्यादा पहनते हैं, और हमारी अम्मी और दादियों के जमाने में ये गोल्ड में होता था। अच्छा, और मैं हर उस चीज को मैं कॉपी करती हूँ। इसका कोई नाम है, इसे कहते हैं ये एक साइड साइड, ठीक है, और ये टोटली हैंडमेड है। हाँ, और ये टू रिवर्सेबल है, आप ये देखें इसकी दूसरी साइड से भी, ये आप दोनों साइडों से पहन सकते हैं। अच्छा, इस साइड से जरा कलरफुल है। हाँ, इधर से मैंने नौरतन में कर दी, उधर से मैंने प्लेन कर दी। ठीक है, और गले में एक ऐसा ही सिंपलर, आपने जरा मॉडर्न, ये थोड़ी सी मॉडर्न लुक है, और ये सारा मोतियों में ही, मैंने इसमें कोई स्टोन यूज नहीं किया, मोती ही इतने यूज किए कि वो बिल्कुल एक लुक आ गया। ठीक, और जिया ने जो पहना हुआ है ये भी, जिया ने जो पहना है इसे जो थोड़ा सा, मैंने जिया ने जो पहना है बहुत डेलिकेट सिंपल, ये जो थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए यहाँ से यहाँ के लिए, और ये भी कुंदन में, और इसे मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया क्योंकि डीप पैक होते हैं, तो उसके लिए बताइएगा कि किन लोगों को ट्राई करना चाहिए ब्लॉक ऑफ खतरा गले में माला, और किन लोगों को चोकर जो है उसका क्यों उठाना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपकी गर्दन लंबी है तो बेस्ट फॉर द चोकर्स, और अगर आपकी गर्दन इतनी लंबी नहीं है, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जैसे ये इनका है इस टाइप पे, इसे गुलूबंद कहते हैं, ठीक है, इस टाइप की अगर वो करेंगे, और माला हर तरह के लोगों के, ठीक है, मतलब वो आपकी किसी भी, अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस भी है या शर्ट भी हैवी है, उसके ऊपर आप एक रियल स्टोन में अकेली माला भी पहन लेंगे ना, आपका काम भी वहीं अपनी जगह रहेगा, लेकिन वो भी स्टैंड आउट करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम वापस आएंगे अफशान के ड्रेसेस की तरफ। नोरिजा ने भी बड़ा खूबसूरत ड्रेस पहना है। नोरिजा, अगर आप आके डिस्प्ले कर सकते हैं, इसमें स्लिम लुक आती है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच नोरिजा। नोरिजा के बाद कौन रह गया? आपका तलबिया ड्रेस, अगेन तलबिया ने भी बहुत खूबसूरत पहना है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि ड्रेस कैसा होता है, तो उससे कहते हैं लाइफ ज्यादा हो जाती है, प्लस ये उसे लुक ज्यादा अच्छी बनती है। वो ब्राइडल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो हैवी लुक आनी चाहिए। बिल्कुल सही। तलबिया, थोड़ा सा अगर आप टर्न करके दिखा सकें कि ड्रेस जो है वो पीछे से एक लंबी ट्रेल, और इतनी लंबी ट्रेल जो है, जी ये काफी लंबी ट्रेल, तो उस यहाँ से फिर मैंने इसको कवर किया है, लहंगे पे काम सारा नीचे जो है हैवी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको ओमेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। दुपट्टा जो है ये अगेन हल्के, आपने दुपट्टे जी बिल्कुल, दुपट्टा इसलिए लाइट रखा है क्योंकि ब्राइड के लिए बड़ा मुश्किल होता है हर चीज कैरी करना, तो जब आप ट्रेल के साथ करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि हर चीज भर दी जाए, काम भर दिया जाए, तो उस हिसाब से मैंने इसको लाइट रखा है ताकि इजी हो, कंफर्टेबल हो। अगर आपने देखें, आपने अपना ड्रेस पहना हुआ, तो इट्स रियली कंफर्टेबल, आप कभी भी उठ के आराम से चल फिर सकते हैं आसानी से। हाँ। तो ब्राइड्स के जितने भी मेरे ड्रेसेस हैं वो सब बहुत इजी टू कैरी हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि जैसे आप खुद कह रही थी कि बाद में भी आप इन्हें पहन सकते हैं। जी बिल्कुल, बाद में भी आपको को बहुत हैवी ओकेजन नहीं चाहिए कि आप दोबारा से नहीं यूज करें। बिल्कुल, ट्रेंड चेंज हो गया है कि पहले हैवी ज्वेलरी, झूमर, बिंदिया और दुपट्टा भी है, ताकि वो आपके ऊपर जब आए तो आपकी शक्ल तो एटलीस्ट जिस पे आप इतना मेकअप प्रोमिनेंट है वो तो प्रोमिनेंट हो। ठीक है, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। हमारे कल्चर से रिलेटेड गाना है, जैसे कल्चर पे हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो बड़े गुरु दाद होते हैं वो बधाइयां लेने जाते हैं, बच्चा पैदा होता है वहाँ पे बधाई लेने जाते हैं, तो उन्हें पहले कहा जाता है कि आप लोरी दें, तो लोरी में उन्हें ये दिया जाता है बच्चे को लोरी, ये दी जाती है कि शगना दी लोरी तेरी दादी दुआ, ये तो छोटे छोटे, इससे और भी आगे हम बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी गुनगुना दे लोरी लकी, इसलिए कि ये लोरी भी बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरत सी है, वैसे ही गुनगुना दे, वो गाने में आ गई थी। बालकड़े का मतलब क्या है? बालकड़े का मतलब ये होता है कि जैसे एक बच्चे को खिलाना,
इसे खडाना कहा जाता है पंजाबी में, लेकिन उसे जब गुनगुनाया जाता है ना तो मोस्टली हमारे ट्रांस उसे कड़ा कर जाती है। अच्छा। तो वो फिर एक वो रिदम वो ही चल रहा है, लेकिन एक उसका जो मेन फोकस है वो खडाना होता है, लेकिन उससे जो ट्रांस हमारी कम्युनिटी है उसमें आपको पता है कुछ अनएजुकेटेड होती है, ठीक है, तो उस वजह से ये इशू आता है। वो फिर गाते वक्त उसे कड़ा कहा जाता है, कहा जाता है, यानी वैसे बाल खिडाना है, हाँ, बच्चे को खिलाना, उसे लोरी देना, लेकिन जब आप उसे गाते हैं तो आप उसे बाल कड़ा बिल्कुल हम लोगों ने एक अभी पिछले साल मैंने एक सिंगल निकाला था मैडम के नाम से, जो कि अगेन ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, वो भी हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिन्हीं के साथ काम किया। तो हमने वो सिंगल एक किया एक और उसके ऊपर हमने पूरा सना जाफरी के साथ एक म्यूजिक वीडियो हमने शूट किया, जिसमें तब पहली दफा मुलाकात हुई थी लकी से। अभी हमें नहीं पता था कि हम कोक स्टूडियो में भी अब इकट्ठे करने लगे हैं। एक्चुअली हम फ्लाइट पे पहुंचे थे तो हमें पता लगा था जहाज में एकदम शॉक हो गई जिमी को देख के, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने बताया मैं कोक के लिए जा रहा, तो मैंने कहा अच्छा हम भी वहीं जा रहे हैं, तो फिर वो काफी ज्यादा हमारे बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे आएंगे तो करते रहेंगे साथ साथ। सही। अच्छा लकी, थोड़ा सा अपना अपने बारे में हमें बताएं। वी वांट टू नो कि कोक स्टूडियो सीजन 11 का इतना बड़ा जो एक हिट है बालकड़ा, जो गाना आपने गाया है, ये लकी कौन है, कहाँ से आई है, क्या है? जी मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, लाहौर में रहती थी, लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में थी, और मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो चर्च में क्वायर में सिंगिंग में वो पार्ट करते 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 गुनगुनाते वो दिल में होता था, तो कभी सोचा नहीं था कि इतना आगे जा सकेंगे, क्योंकि एक ट्रांस तो देखते देखते काफ़ी कम्युनिटी को देखते हैं, बैगिंग करती हैं, सड़कों पे होती है, तो उन चीज़ों को देख के ना खुद भी नर्वस हो जाता है। आई एम ट्रांस, अच्छा मैं तो फीलिंग तो आप जब पैदा होती तो थोड़े से उम्र में आते हैं, 4-5 साल में आ जाते तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि फीलिंग आपकी वो नहीं होती। खेलना आपने लड़कियों में, उठना बैठना आपने लड़कियों में, हर काम उनकी तरह, अम्मी के साथ घर पे काम करवाना, तो वो फीलिंग तो तब ही होती है। हाँ। तो बस उससे एक इम्प्रूव करते करते ऊपर बढ़ाते बढ़ाते समझ आते हैं। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया, स्टार्ट किया अपना करियर बनाना स्टार्ट किया, तो उसे देखते थे। अच्छा, पहले भी मैंने काफी मॉर्निंग शोज वगैरह, आखिरी स्टेशन सरमद फुरसत साहब का था, उस पर भी मैं ड्रामे में प्ले कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी आ चुकी हूँ। और इसके अलावा हमारी ट्रांसजेंडर की एक एनजीओ है के एसएस वाजसरा सोसाइटी में, वहाँ पे एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर जॉब कर रही हूँ। हम थिएटर्स करवाते हैं अपनी ट्रांस के ना, उनकी प्रमोशन के लिए, पहचान थिएटर का नाम है, तो हम जो सक्सेस हमने एक्चुअली मैडम का था वो मेरा ख्याल है हमने एक बीज बो दिया था वहाँ पर, और जिसकी वजह से वो खुद ही मुझे लगता है कि कोई, मगर ये ख्याल कैसे आया कि मैडम ने लकी या, अच्छा उस वक्त मैंने एक्चुअली, मैं क्योंकि लकी को नहीं जानता था, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देख रहा था उस वक्त साउथ एशिया में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो उनकी रियलिटी है उसके ऊपर बहुत वो डार्क और बहुत उस तरह की वो डॉक्यूमेंट्रीज थी। तो एट विच पॉइंट सना जाफरी जिनके साथ इन्होंने भी काम किया हुआ पहले, शी वॉक्ड इन, तो वो बैठे हमने कुछ थोड़ी हमारी गुफ्तगू उसके ऊपर हुई और वहीं से वो आइडिया शुरू हुआ कि एक गाना है हमारे पास, उसको हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मिलके करते हैं, वहां से ये शुरुआत हुई। एंड और मेमोरीज कोक स्टूडियो के हवाले से क्या है, इसलिए कि बाकी आप प्लेटफॉर्म से तो बहुत अच्छे गाने आई एम श्योर और भी आएंगे, मगर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में सुना जाता है, रिकॉग्नाइज है, सीजन 11 में अब आप लोग उसमें आए हैं, इसकी कुछ यादें, कुछ खास बातें, मतलब इतना एनर्जेटिक और इतना मजेदार गाना इटसेल्फ, तो आप हमारी एनर्जी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि हमारी एनर्जी है क्या, और बॉडी लैंग्वेज लकी की इतने मजे की है जब इस गाने को आप कर रही होती हैं, उसकी वैसी बॉडी लैंग्वेज हर वक्त ऐसी है, तो हर चीज अच्छी होती है, जब आप फील ही नहीं करेंगे उस चीज को तो वो करने का कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक कह रही हैं आप। आपने मेहंदी कितनी प्यारी लगाई हुई है? मैंने खुद लगाई है जी। ये आपने अपने हाथों से मेहंदी दिखाए? मेहंदी आर्टिस्ट, अपने हाथ से खुद तो मेहंदी लगती नहीं है इतनी अच्छी भाई, वाह।
यानी मेहंदी लगाना है एक्चुअली रटने का शौक है लंबे लंबे। हाँ, नाखूनों से तो बहुत प्यार है जान है मेरी। अच्छा, अगर काटने पड़ जाए तो? अल्लाह ना करे, अभी तो बड़ा ही है। अभी तो बड़ा है। अच्छा लेकिन ये जो स्ट्रगल की है, इस स्ट्रगल में सबसे मुश्किल स्टेज कौन सी थी? यू बीइंग पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो सीजन 11, यहाँ तक पहुँचने में, जिंदगी के पूरे सफर में सबसे मुश्किल स्टेज होती है ना कभी लोगों को फेस करना, एक सबसे बड़ी मुश्किल स्टेज है कि आप लोगों को किस तरह, हम लोगों में ट्रांस में अक्सर होता है कि हम बाहर भी जाएंगे ना तो लोगों के एक व्यू जो एक बहुत स्टिग्मा उन्होंने दिया हुआ है ना हम लोगों पे कि ट्रांस सिर्फ यही कर सकती है, वो इससे हट के कुछ नहीं कर सकती। तो रास्ते में ट्रैवल करते हुए जाना, लोगों के देखना, उनकी नज़रें देखना कि किस तरह पढ़ लिया किस तरह नहीं, हम लोगों का व्यू अच्छा होता है लेकिन जो ओपोजिट से आपको रिजल्ट मिलता है वो अच्छा ना हो तो वो जो दिल होता है ना कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो भी दिल टूट जाता है, तो करने को कुछ दिल नहीं करता। लेकिन मैंने उस चीज़ों को काफ़ी फेस किया, काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया तो आज यहाँ पे पहुँच गई। अपनी कम्युनिटी में कैसे देखा जाता है आपको, वो क्या कहते हैं? कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा, अब मेरे तो अक्सर ऑफिस में गाना ये लगा होता है, सुबह जाती हूँ तो मैं चलाती ही है। अच्छा। अक्सर गुनगुना रही होती हैं कम्युनिटी बाहर से, कराची अलग अलग जगह से कॉल्स आती हैं उनकी कि माशाल्लाह अच्छा काम किया, प्यारी लग रही थी, ये है वो है। आपकी कम्युनिटी में भी तो बहुत कॉम्पिटिशन होता होगा ना भाई जिमी, लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे हम लकी से भी अच्छा कर सकते हैं, लकी को चांस मिल गया। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे से भी अच्छा करे और आगे आए कम्युनिटी मेंबर, ऑब्वियसली अगर आगे आएंगे तो मेरा दिल ज्यादा खुशी से वो होगा ना कि मेरी कम्युनिटी आगे आ रही है, हम लोगों को इज्जत मिल रही है, पहचान मिल रही है, तो ये चीज सबसे अच्छी है। बिल्कुल सही। जिमी, वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट यू टू। जिमी कौन है, कहाँ से आया, कुक स्टूडियो सीजन 11 का हिस्सा बनने तक का जर्नी जो है वो क्या है? मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, अपने गाने लिखता हूँ, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, थोड़ा सा कुछ अब सीखना शुरू किया है। उसके अलावा परफॉर्मर हूँ प्राइमरीली, मोस्टली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोकली परफॉर्म करता हूँ। कुछ मैंने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं पिछले 2-3 सालों में। कोक जनरली एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी मौसीकारों की जिंदगी का इस वक्त, पिछले 10 साल से, और उसकी वजह से काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, जिसकी नाउ कॉन्सिक्वेंटली अब मैं फिल्मों के लिए भी काम करता हूँ। आई हैव डन दोबारा फिर से मेरी जबार की एक फिल्म थी। अच्छा। मैंने होमन जहाँ की है, आसिम रजा की, so, Homan... दो गाने, एक गाना मेरा अपना गाया हुआ कंपोज किया हुआ, एक मैंने और कंपोज किया, हमने पूरा बैकग्राउंड स्कोर भी उसका किया था। अच्छा, वेरी गुड, ये दैट विद द फुल टीम, वी डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये मेरी इंफॉर्मेशन, वो जो पीछे स्टोरियां चल रही होती है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, बात नहीं होती, फील नहीं होता कभी कि जो असल काम करने वाले लोग हैं वो कभी भी नहीं आ सकते हैं। कोक स्टूडियो का ये कंट्रीब्यूशन है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने म्यूजिशियंस को खास तौर पे, सिंगर्स तो हमेशा होते ही हाईलाइटेड, म्यूजिशियंस को, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बहुत हाईलाइट किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत ग्लैमराइज किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली बहुत अब मतलब टीवी फिल्म सबके लिए अब कुछ काम करें जो कि ऐसे ही है, उसकी उसमें रिकॉग्निशन यही हो रही है। ठीक है, इंस्पिरेशन कौन? तो मेहदी साहब को बहुत सुन रहा हूँ। अच्छा। तो उस वक्त बहुत इंस्पायर कर रहा है। आए थे तब कौन इंस्पायर कर रहा था, तब किसकी वजह से आपने सोचा था मैंने म्यूजिक करना है? आई थिंक मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर, क्योंकि मैं पैदा ही ऐसे घर में होता जहाँ पे मौसीकी रोज सुनी जाती थी, गाई जाती थी। अच्छा, कोई म्यूजिक फैमिली से बिल्कुल नहीं, बट वैसे बहुत शौकीन थे मेरे वालिद साहब और फैमिली पूरी जनरली। जिमी, और हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे जिमी को और लकी को, इसके गाने बहुत सारे आते हैं मगर ये पाकिस्तान के कल्चर का ट्रांसजेंडर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसको इस तरह से एम्ब्रेस करना और इस तरह से प्राउडली उन्हें प्रेजेंट करना, ये क्रेडिट जाता है कोक स्टूडियो को भी और जिमी को भी कि इन्होंने कोलैबोरेट किया है। सो हैट्स ऑफ टू देम, और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, इसके बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब, आज मेरे साथ हैं लकी और जिमी, आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा, यही गाना जो कि आप सुन रहे हैं बाल खड़ा लेकिन बाल कड़ा इसको कह रहे हैं, और ये गाना स्टूडियो सीजन 11 का एक शानदार सा हिट है जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलना, एक बड़ी अच्छी एनर्जी, एक बड़ा अच्छा फील आ रहा है।
जिमी ने तो बता दिया कि उनकी इंस्पिरेशन आजकल तो मेहदी हसन साहब है, ये नहीं बताया शुरू में हु वॉज दैट बेसिक पर्सन सिंगर नॉट फादर जिन्होंने सुनवाया सिंगर जिसको सुन के आपने कहा अताउल्लाह सखेलवी. अरे वाह, एज अ फोक आर्टिस्ट तो जिमी उनका कोई एक गाना का एक ही गुनगुना ही दे कुछ दिल दी दुनिया च तेरे बाजू जे कोई वसावा ता काफी राखी जे तेरी चौकट तू सारी जिंदगी जे सिर उठावा ता काफी राखी. अच्छा क्या बात, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. सेम हियर, सेम हियर. तो ये फोक इंस्पिरेशन इतनी स्ट्रांग है, मतलब देखने में बड़ा हिप हॉप बच्चा लगता है. हाँ. लगता है बहुत ही. हाँ नहीं, वो आई थिंक एक जो नेचुरल ट्रांजिशन हुई है वो पंजाबी फोक की तरफ हुई है, तो वैसे भी वो आई थिंक इस साल अब वो सारा कुछ नुमाया होगा. सही, मेरा ख्याल है. और भी कुछ आने, बहुत सारी चीजें पंजाबी और सराइकी में आ रही है साल. अच्छा, वेरी गुड. तो किन किन मुझे ज्यादातर जो मैं लाइक करती हूँ अपनी मैडम जी हैं, तरन्नुम नूर जहां मैडम जी, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें हमारे साथ.